दोस्त नमस्कार। तो स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी चैनल में। तो कैसे हैं दोस्त, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्त अभी हम आप सबको बता रहे हैं, कुछ शिकायत है हमारी बिटिया को। कौन मारा भाई, कौन मारा, बाहर निकल रहे। तो दोस्त हमारी बिटिया को मर्डर कर दी है। कहाँ गई, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो देखिए चोट कहाँ लगी, इधर आ, इधर आ। और ये दादा, रे दादा, ये तो हाथ कट गया पूरा, बाप रे बाप। इधर आ, करे झप 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 झप, और चक्कर में लाइट नहीं लगामी, कमर करे हमर लप लप लप। बोली में तो हर तराना बाय तोके देख के लोग तो दोस्त ये देखिए हमारी भतीजी है, बकरिया वाली। आज भी इसका लक्षण, उस दिन तो करिखा लगाई थी, आज कलर लगाई है। क्या लगाई है, देखिए आज भी ये होली, बिना होली का होली खेल रही है। अभी आया भी नहीं है होली। चल दे, जल्दी दो, जल्दी दो, बदमाशी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे पसंद नहीं। पहले रख इधर, दे इसका बोतल दे। तो दोस्त ये हमारी बिटिया को मारी हो ना, मारिया बेटा, गंदी बात ना। सॉरी बोला, कान पकड़ के सॉरी बोला, बोला बुआ ना मारा बम, बोला जल्दी जल्दी बोला ना, बोलबू कान पकड़ा दोनों हाथ से, ऐसे 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 दोनों कदा बुआ, अब ना मारब का, ना मारबू ना। देखिए दोस्त हमारी बिटिया नहीं मारेगी। आठ खुर्चा भन को देख लीजिए, सूप लेके कहाँ जा रहा है, देखिए कहाँ लेके जा रहा है सूप। आ पैदा हुआ था सूप में नहीं सुलाया गया है ना, इसीलिए। तो दोस्त दे बेटा बोतल, दे दा बोतल, दे दा दे दा, जल्दी उठा, देखा वो रो रही है, जल्दी दे 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 दे। ए इसने आ ले बिटिया, ले ले आ जा, ले 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 ले। तो देखिए दोस्त ये बोतल की रो रही थी, रोना नहीं बिटिया, दोनों लोग मिलके खेलो। और देखिए हमारा भतीजा, ये मेरी भतीजी, तार बोतल माई फेंक दे। और देखिए हमारी कल्लो भैंसी, आप लोग तो देखते ही हैं, चारा खा रही है अभी। और तुम्हारा क्या हुआ, माई बोतल फेंक दी है। तो तुम अब, तुम्हारा स्कूल में एडमिशन होने वाला बेटा, अब तुम्हारे को बोतल वोतल नहीं खेलना है। तो दोस्त अब हम अपने बिटिया के एडमिशन करवाने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी करवा देंगे एडमिशन। और हम अपने पास ये नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अब इनको हम दूसरी जगह भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास नहीं पढ़ पाएंगी, क्योंकि हम नहीं, इनको टाइम से नहीं भेज पाएंगे। और यहाँ हमारे पास पढ़ेंगी भी नहीं, डरती भी नहीं हमसे, और दुलार दुलार से हो गई हैं ख़राब, इसलिए हम इनको अपने पास नहीं रखना चाहते। और अब इनका एडमिशन हम कहीं और करा रहे हैं, इनको हम कहीं और भेज रहे हैं। उनके यहाँ जाएंगी और उनका सारा खर्चा दूंगी, और उनके पास पढ़ेंगी। और क्या करूं, भेजना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि अपने बाल बच्चे को अपने से अलग करें, लेकिन क्या करें, मजबूर है, मजबूरी भी है, और इसलिए हम भेज रहे हैं। अब इनका एडमिशन हम करवा देंगे, बहुत जल्दी करवाएंगे, आप सबको बताएंगे भी एडमिशन करवाने के बाद। और देखिए पहले से रो रही हैं, क्योंकि स्कूल पहले से भी अगर ये गई होती तो नहीं हुआ होता। आज इनके पापा ने कभी स्कूल जाने नहीं दिया, इनका एडमिशन भी नहीं करवाया, और ना कभी इनको ट्यूशन लगाया गया। और इसलिए देखते देखते 6 साल की हो गई, और पढ़ाई के बारे में कभी सोचे नहीं। और हम इनको अपने मर्ज़ी से कभी कुछ बोल भी नहीं पाए, ना डांट पाए अपने मर्ज़ी से, ना खे अपने मनमानी, अपने पापा के प्यार में दुलार में इतना मतलब ये बिगड़ती गई, पढ़ने लिखने ना पढ़ी ना लिखी ना कुछ सीखी। हम इनको जब डांट नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो हमारा क्या अधिकार है, कुछ नहीं। और कल के कोई बात हो जाएगी तो सब कहेंगे अरे मातरिया नहीं पढ़ाई है, मातरिया नहीं करी है, सब दोस्त माँ बाप, माँ पे आ जाता है, बाप को कहें, बाप तो कहेंगे बाप तो ड्यूटी करता था, ये है वो है, लेकिन सारी जिम्मेदारी माँ पे ही ढकेल देते हैं लोग। क्योंकि इंसान का मुँह बाजा होता, सब चीज़ का ढक्कन होता, मुँह का कोई ढक्कन नहीं होता। तो दोस्त मेरी बात बुरा मत मानिएगा, थोड़ा बोल देते हैं हम, ए सूप टूट जाए बेटा, धा धा। देखिए तो चलिए, हमारा बाबू आज थोड़ा बाबू का तबीयत फिर से डाउन हो गया है, सर्दी हो जाता, पता नहीं इसको यहाँ क्या हो जाता है,
समझ में नहीं आता है। और आ इधर से ये बोतल लेके चलो दूध लेने। ना लेगी? बाप रे, ये तो सीधा साफ गुस्सा हो गई है भाई। तुम्हार बेटी ना हो जा तो हमारे साथ कहे आते हो। और दोस्त देखिए इधर जा रहे हैं, जहाँ हमारा खाना बनता है वहाँ जा रहे हैं। और ये देखिए हमारी ये खेत है, जो लग गिला पपीता तोड़ दूँ। देखिए दोस्त पपीता खूब बड़ा है, देखिए दिखेगा भी नहीं, देखिए वो पेड़ में लेकिन दिखेगा नहीं। जो लग गिला पपीता तोड़ दूँ, देख वाला पका है, देख जा लग गिला तोड़ देती हूँ। लगी लग गया पपीता तोड़ दे। इधर देखो मेरे घर खेत में ही जोनरी बोया है, मक्का अभी से बो दिया गया है। उधर देखिए धनिया लहसुन अमरूद भी नहीं फरा है। और हम आपको दिखा रहे हैं वो हमारा वहाँ, वो हमारा पुराना घर है। आइए हमारा झोपड़ी है, आप लोग देख रहे हैं झोपड़ी वाला घर, क्योंकि जो है इसमें हमारा खाना बनता है। देखिए जहाँ की मैं दूधवा गर्म होगी ना, चावल हो गया लड़का, कैसे निकाल गिर दूधवा गिर गया लड़का के कर हमारे दोनों घर। देखिए हम दूध रख के भूल गए थे, सारा दूध देखिए गिर गया है और चावल बन चुका है। कहा ना जाबू का मैं अच्छा ये हमारी है कहा पीने लो तुम तो पी ली है। और ये देखिए हमारी माई का बना रही है घुघरी। ये देखिए आज बनेगा निमोना, देखिए पीस रही है मटर। और ये देखिए हमारी सिस्टर की बेटी है, देखिए गुब्बारे के साथ खेल रही है। देखिए ए रुनझुन तू अपने घरे जाबू, घरे जा था पापा के लगे जाबू। आ अच्छा तू मत जा, ज्योतिया के जाए था तू मत जा है ना, जाइबू ना मत जाइ लाला, तू ना जाइबू ना, ना जाइबू ना, जाइबू जाइबू है। देखिए दोस्त ये मेरी सिस्टर की बेटी है और बेचारी 11 महीने की हो गई है, अभी चल नहीं पा रही है क्योंकि इसकी माँ इसकी सेवा नहीं करती है। खाली माई को कहेगी तनि माई तेल लगा दे, तनि माई दूध भर के दे दे, तनकी माई नेपुल धो दे, तनकी माई हई कह दे, सारा सारा काम माई करेगी। और ये अपने बेटी को ससुराल ले जाके इसका सेवा नहीं करी है, खाली खाती है। अरे ससुराल में तो ससुराल में ले जाके सेवा नहीं करी है, खाली खाती है और घूमती है, बिटिया को ऐसे छोड़ देती है। और खाली आज 11 महीने की बेटी हो गई, बकैया चल रही है खाली। और आप लोग देखिए हम कितने गरीब हैं। और हमारे यहाँ का प्रधान है जो कि वो क्या बोलते हैं कॉलोनी वलोनी पास नहीं करते हैं, सब कहते हैं योगी सरकार ये करते हैं, योगी सरकार वो करते हैं, खाक योगी सरकार करते हैं, कुछ नहीं करते हैं योगी सरकार। जिसके लिए करते होंगे करते होंगे, जानते हैं ये आवाज़ जब बोलेंगे उठाएंगे ना तब बात बहुत बिगड़ जाएगी, इसीलिए हम अभी चुपचाप हैं। अब हमारे पापा बोलते चुप रहो जाने दो, आ जाएगा तब बताएंगे ना योगी सरकार सबके लिए। हमारे पापा की झोपड़ी है बताओ, हमारे पापा के घर कोई कमाने माने वाला है भी नहीं, तभी नहीं बूझते हैं, कोई किसी को आज के ज़माने में नहीं पूछता, अपने दम पे खड़े रहो बस यही है। ठीक है तो चलिए दोस्त आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अब मिलेंगे फिर नए ब्लॉग के साथ।